सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और हम आपको लेकर आए हैं प्रोग्राम मिसाल बेमिसाल। कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए छोटे छोटे कदमों को जोड़कर उन्होंने एक बड़े मुहिम का की शक्ल अख्तियार की और साथ ही उसमें न केवल खुद उन्होंने काम किया बल्कि बहुत से लोगों को समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए और सार्थक परिणामों के दिशा में काम करने के लिए जोड़ा और अब एक अभियान के शक्ल में काम कर रहे हैं। आज हम बता रहे हैं वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में, जिसकी स्थापना 14 फरवरी 2017 एक साल पहले तकरीबन हुई और उससे लेकर आज तक इसमें जिन लोगों ने एक अहम भूमिका अदा की है वो हैं डॉक्टर रूबी राज सिन्हा हमारे साथ में हैं और इनके पतिदेव इंजीनियर प्रवीण जी, और इन दोनों लोगों ने कई ऐसे अभियानों को वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर के नीचे शुरू किया है जिसमें लोगों को न केवल सशक्त बनाया जा सके, उनको स्वस्थ बनाया जा सके, उनको स्वावलंबी बनाया जा सके और राष्ट्र के प्रति सेवा के कार्य में उनको लगाया जा सके। रूबी जी, ये विचार आया कैसे आपको ये वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन स्थापित करने का? मेरा नाम डॉक्टर रूबी राज सिन्हा है और पेशे से एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन नाम की संस्था चलाती हूँ। इसके अलावा 50 से ज़्यादा ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीत चुकी हूँ और मल्टी वेज में काम कर रही हूँ। ख्याल कैसे आया, मेरी लव मैरिज है और शादी के बाद मैंने ये सोचा कि हमेशा ऐसा जनरली देखा जाता है कि बेटे या बेटियाँ ही नाम रोशन करती हैं, तो इसको मैं कुछ चेंज करना चाहती थी। वैदेही मेरी मदर इन लॉ का नाम है, वैदेही श्रीवास्तव, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने उन्हीं के नाम पे अपनी संस्था का नाम वैदेही रखा है क्योंकि मैं ये उदाहरण देना चाहती हूँ कि हमेशा बेटे या बेटियाँ ही नाम रोशन नहीं करती हैं, कभी कभी बहुएँ भी अपनी सास और सासू माँ का और सासू का नाम। बहुत अच्छा ख्याल है, मुझे लगता है समाज में परिवर्तन के लिए खास करके सास और बहू के रिश्ते में और मजबूती लाने के लिए ये एक बहुत अच्छा उदाहरण साबित हो सकती हैं और इस दिशा में पता नहीं कितना इन्होंने काम किया है ये रिश्तों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जो रिश्तों के और जो बंधन हैं तो उसमें बहुत सारी तकलीफें लोगों को ज़्यादा चर्चा में आती हैं। कहानियाँ भी वही आती हैं, कहानी घर घर की, सास बहू की कहानी, लेकिन आप ये दूसरे जो थॉट को लेकर चली, क्या बदलाव आपकी इस कहानी को जानकर लोगों में देखने को मिला? वैदेही का अर्थ होता है सीता, तो जब सीता माँ इस धरती पर आई तो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। वो एक बेटी थी, एक पत्नी थी, एक माँ भी थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में त्याग और तपस्या की ही मिसाल दी और उसके बाद भी आज हम उन्हें माँ कहकर ही पुकारते हैं और उनको पूछते हैं। वो एक आइकॉन थी, एक आदर्श महिला थी। तो वैदेही नाम मैंने अपनी संस्था का सिर्फ नाम ही नहीं रखा, एक साल में 85 से ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रम करके मैंने अपनी संस्था का नाम लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में नॉमिनेट करवाया है। प्रोसेस अभी चल रहा है जिसमें बेसिकली जैसे मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो 10,000 से लोगों ज़्यादा लोगों को मैं मेडिकल कैंप में मुफ्त में दवा दे चुकी हूँ। राशन, कपड़ा, एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारे कल्चर इवेंट करके मैं अपनी संस्था को आगे बढ़ा रही हूँ। और बहुत बहुत अच्छी पहल है। प्रवीण जी, आपने प्रेम विवाह किया और 14 फरवरी को आपने संस्था की स्थापना में पत्नी की मदद भी की, तो ये जानबूझकर किया, ये अनहोनी में हो गया? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोगों ने, लेकिन सर ये जो 14 फरवरी था तो ये स्टार्टिंग हम लोगों ने पहले किया था, लेकिन सोचा कि हमारा जो फाइल था इत्तफाकन 14 फरवरी को ही फाइल हो गया और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई हम लोग को कि एक 14 फरवरी जो हम लोग का बहुत ही वैलेंटाइन डे, महिला दिवस और इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग करते हैं, तो अच्छा हुआ हमारा कि उस डेट को हम लोगों ने वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन का गढ़ बना लिया हम लोगों ने। बहुत अच्छा है। और आपने जो खूबियाँ बताई कि आपने अपने सासू माँ का नाम संस्था के नाम के साथ जोड़ दिया और उनकी स्मृतियाँ भी आपने सहेजी, ये वास्तव में जो बता रही हैं सब सच बता रही हैं या क्योंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने वाले महिलाओं के बारे में राय समाज में अच्छी नहीं है, उनको ये लगता है कि जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाता है वो कम से कम घर का काम कर तो बिल्कुल नहीं संभालता और घर का ख्याल भी कम करता है? नहीं सर, इन सबसे पड़े है हमारी मिसेज और इन्होंने अपने घर का सारा काम करते हुए और अपनी मेरी मम्मी के नाम पे जो इन्होंने वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन डाला, खैर सोचना इन्हीं का था, इसमें मेरा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था। इन्होंने खुद ही सोचा कि मैं अपनी मम्मी के नाम पे ही यह डालना चाहती हूँ और कुछ ऐसा करते हैं जिससे शायद समाज को एक नया उदाहरण पेश हो
और सब लोग जो ये कहते हैं कि सास बहू में खटपट खटपट हमेशा चलती रहती है, तमाम तरह की सीरियलें आजकल टीवी पे आती रहती है, तो उसके अलग हो और सबको प्रेरणा मिले कि कभी इस तरह की ख्यालात न लाएं और समाज में एक अच्छी तरीके से पेश आए, बस यही सोच करके हम लोगों ने डाला। और ये सही में हमारे लिए प्राउड है, और इन्होंने जो भी अभी तक प्रोग्राम कराया है सही में काबिले तारीफ है, और मैं इनके साथ हमेशा हर प्रोग्राम में हाथ मिला करके खड़ा रहता हूँ। कोशिश रहता है कि हमारे जो भी प्रोग्राम में आए वो खाली हाथ ना जाए, कोशिश रहता है, और आज तक भगवान के दया से और आप लोग के ब्लेसिंग से हम ये सक्सेस हुए हैं, और हमारी जो भी प्रोग्राम हुई है आज तक, जो भी हमारे अतिथिगण जो आए हैं, और बहुत ही खुश होकर के और आशीर्वाद दे करके गए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो प्रेस मीडिया है बहुत ही हमारा ख्याल रखते हैं, नो डाउट, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ उनका। अच्छा, ये बताइए कि आप इंजीनियर हैं और ये डॉक्टर हैं, तो ये होम्योपैथी डॉक्टर घर में भारी हैं या संस्था में भारी हैं, या आपका भी कुछ दखल चलता है? सर दखल तो हर लोगों का, मैडम ही रहती है भारी। मैडम भारी हैं और रूबी जी इसमें लीड ले रही हैं और लगातार इसमें काम किया है इन्होंने, और आशा है कि आगे ये ऊर्जा इनकी और अनवरत बढ़ेगी। रूबी जी, आगे आपका ड्रीम क्या है, रेडी वेलफेयर फाउंडेशन को आप किस दिशा में ले जाना चाहती हैं, और जो जो विषयों पे आप काम कर रही हैं उसमें लोगों का समर्थन कैसे मिल रहा है? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं जमीनी तौर पे काम कर रही हूँ, सड़क से उतर के काम कर रही हूँ, और सपोर्ट की तो ये बात है कि महिला खुद में अपने आप में शक्ति है, कोमल है, कमजोर नहीं है, सत्य का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, तो नारी कहीं कमजोर तो है नहीं, तो मुझे सपोर्ट मिले या नहीं मिले, मुझे मदद करना है तो मैं सड़क पे उतर के करूंगी, अकेली करूंगी, यही सोच के मैं सड़क पे उतरी थी, लेकिन आज भगवान की दया से मेरे साथ में हजारों लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं साथ में हैं। एक वर्ष के अंदर वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन ने घर घर वैदेही नाम की एक विंग बनाई, जिसमें हम लोग सिर्फ स्लम्स में काम करते हैं, उनको रोजगार, शिक्षा, शादी, पर्सनल हाइजीन, सैनिटरी नैपकिन वितरण, निःशुल्क मेडिकल कैंप, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं। और मेरा जो आगे की प्लानिंग है, मैं इसी पे काम करना चाहती हूँ कि कोई भी अशिक्षित ना रहे, शिक्षा जो है वो मेरा मेन है, और नारी सशक्तिकरण, कहने का मतलब ये है कि किसी को हिट नहीं करना है, दुख नहीं पहुँचाना है, कि ऐसा नहीं है कि नारियों को हम जूडो कराटे सिखा दें कि वो सबको हिट करें, वो करें, सशक्तिकरण का मतलब है कि फ्रीडम क्या है, हम लोग कहते हैं ना कि आज़ादी, आज़ादी वो है कि महिला कुछ भी करना चाहे वो करे, सुरक्षित रहे, सुरक्षा मिले, और पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी होगी तो अच्छे से अपने घर को मैनेज कर पाएगी, और दूसरी बात है स्वस्थ रहेगी, स्वस्थता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, अगर घर में महिला स्वस्थ है तो समाज, घर स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, और भारत भी स्वस्थ होगा। और आगे की मेरी प्लानिंग वही है कि महिलाओं के लिए एक निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर कंप्यूटर का मैं खोलना चाहती हूँ, जिसमें स्लम से लेके जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको एजुकेशन में दे पाऊँ कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे 6 महीने का भी कोर्स करके इंसान बाहर जॉब नहीं कर सकता है, घर में बैठे ही वो लेडी इतना अर्न कर सकती है, इतनी सारी कंप्यूटर में चीज़ होती है, तो 6 महीने में उन महिलाओं को इतना सिखा दूँ कि घर में एक कंप्यूटर रख के आराम से वो 500 रुपये रोज भी कमा पाएँ, यही मेरा मिशन है। बहुत सारे आपने सिलाई स्कूल में प्रशिक्षण देने का भी काम किया है, सिलाई मशीन देने का काम किया है, वृक्षारोपण और ऐसे पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आपने काम किया है, आपका अनुभव क्या है समाज में, क्या लोग जागरूक होना नहीं चाहते, क्योंकि जागरूकता के लिए कैंपेन बहुत चल रही हैं, सरकार अपने स्तर पर जागरूक कर रही है, सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर लोगों को जागरूक कर रही हैं, इसके अंतिम परिणाम के रूप में आप क्या देखते हैं, क्या लोग जागरूक हो रहे हैं या सिर्फ अभियान चल रहे हैं? मेरा भारत देश एक ऐसा देश है कि यहाँ पे सब कुछ बोलने, खुल के कहने की आज़ादी है, यहाँ पे आप 10 कदम पे जाइए तो कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई उस नेता के खिलाफ मोर्चा निकाल रहा है, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी का सब लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। यहाँ एक खराबी भी है कि यहाँ आई लव यू पर्दे के पीछे बोला जाता है, लेकिन किसी को ठोकना हो या गोली मारनी हो तो वो सरेआम होता है, तो बस इसी चीज़ को, दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल रेप केस चल रहे हैं, एक 5 साल की बच्ची या 4 महीने की बच्ची से रेप करने में क्या सेटिस्फेक्शन होता है, ये सिर्फ एक बीमार मानसिकता है, कुछ नहीं मिलता है इसमें, सिर्फ बीमार मानसिकता है, लैक ऑफ एजुकेशन है। 12th के बाद एक ऐसा गवर्नमेंट को कंसेप्ट निकालना चाहिए कि पढ़ाई में, पाठ्यक्रम में 12th में उनको एक सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक सब्जेक्ट रखना चाहिए, जिसमें उन्हें पूरी सेक्स के बारे में जानकारी हो, ताकि वो अवेयर भी रहें। फॉरेन में सेक्स ओपन है, इसलिए वहाँ जो कुछ होता है अपनी मर्जी से होता है, यहाँ पे छुपाओ छुपाओ, हाइड हाइड हाइड,
और वही है इसलिए इसराइल ज्यादा है। लेकिन एक तथ्य जो है जो बहुत चौंकाने वाला है कि चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो यूएसए हो, हर जगह पर इस तरह की वारदातें और भी जघन्यतम रूप में आई हैं सामने और वो ऑन रिकॉर्ड हैं। ये अलग बात है कि वहाँ का मीडिया उसको उतना हाइप नहीं देता, हमारे यहाँ जो आज़ादी है शायद इस वजह से भी मीडिया में वो बहुत सारे प्रकरण आते हैं। तो घटनाएं हर जगह हो रही हैं, समाज को और ज़्यादा बेहतर बनाने की दिशा में हमें काम करना होगा और इस मामले में अब तक हमारा समाज बहुत बेहतर रहा है। कुछ समय का देशकाल ऐसा रहा है जिसमें बहुत नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं, उनको रोकने में बहुत बड़ी भूमिका की आवश्यकता है लोगों की। और हर बात की अगर शिक्षा के पाठ्यक्रम में आ जाए तो क्या मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वही सवालों के घेरे में। शिक्षा के साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अपने घर से ही हम बच्चों को संस्कार दें, या जैसे हम जैसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, जागरूकता ही तो दे रही हैं। आज मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं सड़क पर उतरकर क्यों काम कर रही हूँ, सिर्फ जागरूकता ही दे रही हूँ। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाए कौन सा टच अच्छा है, कौन सा बैड टच है, काउंसलिंग की जाए, परिवार से कुछ बातें सीखी जाए। और बाकी तो ये है कि जब हम लोग इकट्ठा होकर किसी काम को करते हैं, कहते हैं ना कि अगर किसी अच्छे काम की शुरुआत की जाए तो सब लोग उसे सपोर्ट करते हैं, नेचुरली बदलाव आएगा। लेकिन पहल करने की जरूरत है कि कम से कम कोई पहल तो करे। हमारे यहाँ ये है कि पहल करना नहीं चाहता है, कम से कम घर से बाहर निकलो तो एक कोशिश तो करो, सफलता जरूर मिलेगी। एक कोशिश की जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक स्थापित साहित्यकार और आज विभिन्न कक्षाओं में उनको पढ़ा जाता है, उन्होंने अपने एक निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसमें स्थापित किया कि हम भारत के लोग रेल की गाड़ी के डिब्बे के समान हैं जिन्हें इंजन की प्रतीक्षा रहती है। जो रूबी जी कह रही हैं कि एक इनिशिएटिव की जरूरत है, अगर आप कोई प्रयास कोई पहल कोई कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें बहुत से लोग आपके साथ हम कदम होंगे। प्रवीण जी, आप जितने भी आयोजन किए गए उसमें लोगों की भागीदारी कितनी होती है, और उसमें जब आप अपील करते हैं लोगों को बताते हैं या उनको अवेयर करते हैं, क्या वो अभियान में आसानी से आपके शामिल होते हैं या कुछ रिजिडनेस आपको देखने को मिलती है? नहीं, रिजिडनेस तो है, लोग जागरूक होना भी नहीं चाहते। हम लोग कभी किसी को प्रोग्राम को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, जैसे हमने व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सब चीज़ों पर डालते हैं। बहुत सारे जो इनिशिएटिव एक्शन लेते हैं, जो पब्लिक जानना चाहते हैं, जो जागरूक होना चाहते हैं, वो आते हैं, लेकिन जागरूकता पूर्ण स्तर पर नहीं है अभी, है ना। हम लोग भी कर रहे हैं और मीडिया भी कर रही है अपनी तरीके से, जो हमारे नेता नगरीय है, जो मैनेजमेंट है अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट, वो भी कर रही है। लेकिन जब तक पब्लिक नहीं अपने आप को जागरूक होगी, अपने आप से नहीं आगे बढ़ना चाहेगी, सेल्फ मेड नहीं होना चाहेगी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जब तक अपने आप को नहीं प्रमोट करेगी, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, हाँ, खुद इनिशिएटिव होना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। हमारे और आपके चाहने से हम लोग जरूर, हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये अपने आप से जागरूक नहीं होंगे हम इनसे कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, लोगों को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और जागरूकता जितनी आती है कम से कम उसको जरूर समझना पड़ेगा और उसमें और भी लोगों को भागीदार बनाना जरूरी है। रवि जी, कार्यक्रम के अंत में हम ऐसे तमाम जो इनिशिएटिव लेने वाले हैं उनसे जरूर पूछते हैं कि आप जो पब्लिक जो भी आपको देख रही है उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं, या अपने अनुभव से कोई ऐसा सुझाव उनको दें या उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आप कर सकते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी जो लोग भी मुझे देख रहे हैं कि हम अपने आप में कंप्लीट हैं। कभी किसी से ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कम है, आप में शक्ति है, उसको आपको पहचानना है और बाहर निकलना है। आप सब कुछ कर सकते हो, आप कभी किसी पर डिपेंड मत रहो। आप ईश्वर ने आपको भेजा है, किसी एम से भेजा है, पूरी शक्ति के साथ भेजा है। बस ये है, जागरूक रहिए जीवन में। आप ये सोच के चलिए कि डेली आपको कोई भी दो अच्छे काम करने हैं और उन दो अच्छे कामों को करिए और दूसरों तक ट्रांसफर करिए, देखिए कैसे बदलाव आता है। तो परिवर्तन के वाहक बनिए और उसको विस्तार करिए और अपनी आवाज को बुलंद करिए और आपकी जो भावना है उससे सोच समझ कर उसका विस्तार करिए, क्योंकि आपके साथ जितना आपका अधिकार है उतना ही आपका कर्तव्य से आप बंधे हुए हैं, क्योंकि संविधान के अनुरूप हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसमें हमारी भी जिम्मेदारियाँ तय की गई हैं। आशा है कि ये हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी और मिसाल बेमिसाल के इस कार्यक्रम में आपको वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन से ज़रूर कुछ प्रेरणा मिली होगी और उसमें रूबी राज जी का और प्रवीण जी की जो भी सजेशन हैं उनसे आप अमल करेंगे और अपने जीवन में भी परिवर्तन करेंगे और समाज में बदलाव के लिए छोटी छोटी कोशिशों की पहल करेंगे।
धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे ऐसी आपके आसपास कोई ऐसी गतिविधि या ऐसे अच्छे लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी सूचना आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और सीधे हमें ईमेल भी कर सकते हैं जो नीचे फ्लैश किया जा रहा है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।